वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब गाइस? तो आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं हॉर्नेट 2.0 का ओनरशिप रिव्यू करने जा रहा हूँ कि ये बाइक कैसा है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओनर से भी मिलाऊंगा, लाइक ही विल से अबाउट द बाइक कि उसका जो बाइक है कैसा परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कैसा मिल रहा है उसको, क्योंकि भाई ने ऑलरेडी 10,000 तक चला चुका, 10,000 किलोमीटर तक, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो चुका गाइस, तो आपको अच्छा से बोल भी पाएगा। एंड ये जो हॉर्नेट 2.0 है ना, काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है, इस पे काफी ज्यादा ग्राफिक्स वगैरह भी लगाया गया है, सो इट्स काइंड ऑफ यूनिक बाइक आई वुड लाइक टू से। एंड सिल्चर पे तो खैर ऐसा हॉर्नेट 2.0 आपको देखने को मिलेगा ही नहीं गाइस, बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है, मुझे तो खैर काफी ज्यादा पसंद आया। सो गाइस भाई से मिलते एंड भाई को पूछते हैं कि उनका जो बाइक है ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, एंड उनका लाइक मेन मोटिव क्या था हॉर्नेट 2.0 खरीदने का, एंड उनका पास कोई अलग ऑप्शन था भी कि नहीं बाइक खरीदने से पहले। सो लेट्स आस्क हिम गाइस। सो ऑल गाइस इस बाइक का एक वॉक अराउंड चेकआउट कीजिए, काफी ज्यादा बल्की लग रहा है बाइक देखने में, काफी ज्यादा पसंद आया मुझे तो। एंड ये ग्रे कलर पे तो खैर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाय ब्रो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? अच्छा हो। और आपका बाइक के बारे में कुछ बोलिए, आपकी आपका मेन मोटिव क्या था ये बाइक खरीदने का, एंड आपका लाइक ऑप्शन में कौन कौन सा बाइक था लाइक ये बाइक खरीदने से पहले? तो ऑप्शन के बारे में पहले मैं बोलना चाहता हूँ, ऑप्शन में जो मेरे पास था, मतलब ये बाइक तब लॉन्च नहीं हुआ था, तो मेरे पास जो है हॉर्नेट 160R और MT15 था, MT15 लॉन्च हो गया था, उसके बाद जो है ये वाला लॉन्च हुआ है, तो मैंने सोचा MT15 लूंगा मैं BS6 वाला, तो बाद में जो है जब मैं लेने का मन बनाया था तब जो है उसके बाद ये वाला लॉन्च हुआ था। फिर MT15 जो है मैंने बहुत बार टेस्ट ड्राइव किया अपने दो फ्रेंड का, तो काफ़ी चला चुका हूँ MT15, लेकिन उसके बाद जो है मैंने ये वाला बाइक चलाया, और ये वाला बाइक चला के जो है प्लेन को भी बैठा कर देखा मैंने पेरेंट्स को, फिर उसके बाद जो है मुझे एक अलग सा कम्फर्ट मिला, अलग सा एक फील आया इस बाइक में, जो कि मतलब थोड़ा सा हैवी है MT से, और रोड प्रेजेंस इसका बहुत अच्छा है, बहुत चिपक के चलता है, तो उसके वजह से जो है ये मुझे बहुत पसंद आया। और अगर आप लोग भी अगर इसमें बैठ के अगर एक बार चलाओगे तो आप लोग ऐसा फील होगा जैसे आप लोग बिग बाइक चला रहे हो, कोई 300-400 cc का बाइक चला रहे हो, तो ये उस तरीके का मज़ा देता है ये बाइक से। और मुझे जो पर्सनली उतना पावर नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था एक बेस्ट लुकिंग बाइक जो कि मतलब यूनिक हो, लोग देखे तो मतलब ऐसा देखे कि मतलब हाँ ये बाइक बहुत सुंदर है दूर से आने के टाइम, तो ऐसा एक बाइक चाहिए था, और थोड़ा सा पावर तो चाहिए था क्योंकि यंग है तो पावर तो चाहिए ऑब्वियसली, तो इस बाइक में जो है टॉर्क बढ़िया दिया हुआ है, MT15 से भी जो है इसका टॉर्क ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो है मैंने ये बाइक जो है लिया। हाँ भाई, आपने तो बात सही बोला कि इस बाइक का जो कम्फर्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड मैंने भी चला कर देखा, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल बाइक है, एंड स्पेशली आई लाइक द रियर सीट गाइस, आप देख सकते हो ये बहुत कम्फर्टेबल है, काफी ज्यादा कम्फर्टेबल है, कम्फर्टेबल है, पेरेंट्स को अगर बिठाना चाहते हो तो ये बहुत ही कम्फर्टेबल है। हाँ वही वही आप देख सकते हो, काफी ज्यादा सॉफ्ट है, काफी ज्यादा कम्फर्टेबल है, कुशन ही है पूरा, एंड इस पे ये आप देख सकते हो ये ग्रेबल वगैरह भी मिल जाता है, सो काफी ज्यादा यूजेबल है जो रियर सीट है, एंड आपका पेरेंट्स के साथ भी आप ट्रेवल कर सकते हो, कोई दिक्कत आने नहीं वाला है आपको। हाँ वही, एंड इसका लुक जैसे कि आपने बोला काफी ज्यादा बढ़िया है, हाँ मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा, एंड इसका जो USD सस्पेंशन है इसी ने मुझे इस बाइक के तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किया है। हाँ वही, इस सेगमेंट में 110 का टायर जो है नहीं दिया गया मैंने जहाँ तक देखा, तो उसके अंदर तक जो है NS देख लो, RS देख लो, तो उन सब में जो है 100 का दिया गया है, NS पे तो और भी कम है, 90 है, तो इसमें जो है 110 का जो है बढ़िया सब टायर दिया गया, बहुत ब्रॉड है और सामने से दिखने पे भी बहुत बल्कि दिखते हैं। तो गाइस ये रहा लुक्स के बारे में, तो भाई को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, एंड आप भी अगर प्लानिंग कर रहे हो हॉर्नेट 2.0 का तो आप जरूर से ले सकते हो। एंड भाई से पूछते कि उन्होंने कितना किलोमीटर क्लॉक कर चुका उनका बाइक पे? मेरा जो बाइक है अभी तक जो है मैंने 11,000 किलोमीटर चला लिया, और मेरा जो बाइक जो है अभी को लेके तो एक साल से थोड़ा ऊपर हो गया है, 1 year and 6 months ऐसा बोल सकते हैं, 1.5 साल हो गया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक के साथ, आप लोग भी ये कंसीडर कर सकते हो, बहुत ही स्मूथ इंजन है, मतलब
बोलूँ तो इसमें कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा हाई स्पीड में थोड़ा कमी है, बस वही बात है, बाकी सब अच्छा है इसका। सो गाइस, आप जैसे कि देख पा रहे हो टोटल चल चुका है 11,329। ऑलरेडी गाइस 10,000 के ऊपर हो चुका, फिर भी भाई को ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड भाई जो है काफी ज्यादा खुश है। सो गाइस, आप भी अगर खरीदते हो तो आप सब भी बहुत ज्यादा खुश रहोगे इस बाइक के साथ, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स ए होंडा बाइक, सो स्मूथनेस जो है होंडा का फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। आप इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनकर ही आप समझ पाओगे कि ये कितना ज्यादा स्मूथ है ये बाइक। आप जैसे कि चेकआउट कर पा रहे हो, इसका जो लुक्स है इस बाइक का काफी ज्यादा चेंज्ड है, ये नॉर्मल होंडा 2.0 जो है इसकी तरह बिल्कुल भी लगता नहीं है। तो भाई को पूछ दे कि भाई ने क्या क्या मॉडिफाई किया है इनका बाइक पे। तो गाइस, इसमें जो है पहले तो मैं बता देता हूँ, इसका जो स्टॉक जो स्टिकर आता है वो सब मैंने निकाल दिया है, फिर उसके बाद जो है मैंने पूरा फुल बॉडी पे पीपीएफ करवा दिया। आप थोड़ा दिखा दीजिए कि कहाँ कहाँ आपने क्या किया हुआ है। पीपीएफ जो है मैं दिखा देता हूँ, ये वाला पूरा जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट पीपीएफ किया हुआ है, ये भी पीपीएफ किया हुआ है, जहाँ पे मतलब फाइबर का जो है ये बॉडी जो होता है मेन, तो वहाँ पे पीपीएफ किया हुआ है, तो मतलब फुल्ली प्रोटेक्टेड रह जाता है। फुल्ली प्रोटेक्टेड रह जाता है। बस ये जो होता है डैशबोर्ड जो है, ये डैशबोर्ड की क्वालिटी जो ये वाला तो पीपीएफ नहीं हो सकेगा। इसको छोड़ के जो है इस तरह के का छोड़ के सब में पीपीएफ हुआ है। और फिर इसके बाद तो आप लोग देख सकते हो ये वाला स्टिकर भी मैंने खुद से लगवाया है, ये वाला ब्लैक पेंथर का है, मुझे काफी पसंद है तो लगवा दिया। और ये हॉर्नेट का जो स्टिकरिंग बना है ये भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। कस्टम मैंने जो है अल्फाबेट जो है कस्टम मैंने ये बना के यहाँ पे लगवाया है। और मॉडिफिकेशन की बात करें तो लीवर गार्ड भी लगाया मैंने, ये 450 रुपीज का आता है और काफी अच्छा है, हार्ड है। और ये जो मैंने लगवाने का रीजन है गोल्डन जो है इसके साथ मैच होता है, टोटली मैच कर रहा है यूएसबी के साथ, जो है मैंने ये वाला गोल्डन जो लगवाया है। और तो बाकी ये वाला भी मैंने कलर करवाया है, ताकि गोल्डन टच दिया भाई ने, ताकि ओवरऑल जो लुक है टोटली मैच करेगा, मैच करे इसके लिए गोल्डन टच सब दिया गया है। तो यही है और कस्टम टेल टाइडी बनवाया। आप गाइस जैसे कि चेकआउट कर पा रहे हो ये टेल टाइडी, ऐसा नॉर्मल हॉर्नेट पे तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, एंड जो ये मॉड है ये काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि हर कोई हॉर्नेट पे ऐसा करता नहीं है। सो भाई ने किया, सो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये एक्स शेप जो टेल है इसके साथ भी काफी ज्यादा ब्लेंड हो रहा है, तो आप कुछ बोलेंगे ये टेल टाइडी के बारे में, कैसे किया आपने टेल टाइडी के? मैं बता देता हूँ गाइस, ये जो है कस्टम है, पूरा मेरे घर के पास एक वेल्डिंग शॉप है, तो वहाँ से जो है आइडिया भी उन लोगों ने दिया था, तो मुझे जो है ऐसा मतलब यूनिवर्सल लगाया था, लेकिन वो ज्यादा दिन टिका नहीं। फिर उसके बाद जो है ये यूनिवर्सल का जो क्लेम आता था ये वाला तो रह गया, बाद में ये वाला जो है ये क्लेम बनवाया है वेल्डिंग से मेरे घर के पास से, फिर उसके बाद ये लगवा दिया है, अभी ये पूरा फिक्स है, काफी एक साल हो गया। हाँ, वही काफी ज्यादा ड्यूरेबल लग रहा है, आप जैसे कि चेकआउट कर पा रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल लग रहा है एंड भाई बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। एंड और एक चीज देख पा रहा हूँ, ये टायर हगर, ये भी काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है, ये भी यूनिक लग रहा है। ये डालने का रीजन ये है कि अगर ये डाल देता हूँ तो ये वाला पूरा खुला रह जाता है, वो तो पीछे जो बैठेगा उसका तो भाई हालत ही खराब हो जाएगा। भी हमारे यहाँ पे रोज जो है पूरा जो पीस नहीं होता है थोड़ा गंदा भी रहता है, उसके वजह से जो है मैंने ये वाला डाला है। सिंगल में जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और ये वाला निकालने से एक अलग सा लुक आता है, क्योंकि ये टायर ब्रॉड है, टायर और भी चौड़ा लगता है, चौड़ा लगता है, बहुत सुंदर दिखता है। मैं बहुत बार चला चुका हूँ ये निकाल के, ये कुछ दिन पहले डाला था, फिर अभी जो है मैं सोच रहा हूँ फिर से डाल के निकालने में प्रॉब्लम होता रहता है, बार बार फिक्स कर दिया आपने ना, फिक्स कर दिया ये लगा। और ये शायद यूनिवर्सल है। हाँ, यूनिवर्सल है और आप किसी भी बाइक में लगा सकते हैं, किसी भी बाइक पे आप लगा सकते हो जिस पे ये टायर हगर नहीं है, आप जरूर से लगा सकते हो। आप जैसे कि चेकआउट कर पा रहे हो, डायरेक्टली इस जो ये रियर एक्सल है इस पे फिट हो जाता है, एंड आपको कुछ ये एलन बोल्ट मिल जाता है फॉर द फिटमेंट, एंड काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, काफी ज्यादा टाइट है, एंड क्वालिटी इज ऑल्सो रियली वेरी टॉप नॉच गाइस। एंड गाइस, भाई को पूछते कि जो हेडलाइट परफॉर्मेंस है इस बाइक का कैसा मिलता है, क्योंकि आप ये बाइक अगर खरीदते हो ऑब्वियसली आप तो रात को भी तो चलाने वाले हो, सो इट शुड प्रोवाइड ए गुड व्यू एट नाइट ऑल्सो। सो भाई को पूछते कि कैसा है ओवरऑल थ्रो एंड आउटपुट जो है कैसा है गाइस। सो गाइस, इसके हेडलाइट के बारे में बताऊं तो ये अच्छा है, ज्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते,
क्योंकि ये एलईडी है, थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं। प्रोजेक्टर जैसा तो पूरा फोकस नहीं देता है, थोड़ा स्प्रेड होता है, लेकिन सिटी या हाईवे में भी ये आराम से चल जाता है। मैंने बहुत बार चला है रात को भी, तो आराम से चल जाता है। अगर सामने नई गाड़ी आ रहा है तो अपार चला के भी जा सकते हो, अपार में ये बहुत विजिबिलिटी इसका बहुत अच्छा है, तो ये एडजस्ट कर सकते हो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो गाइस माइलेज की बात करूँ तो ये मैं बोल सकता हूँ कि 150-160 cc में जो बाइक जाता है सेम माइलेज है, और बहुत ही बढ़िया माइलेज है इसका। वैसे तो होंडा है, आप लोगों को पता है माइलेज अच्छा है। नॉर्मली अगर आप लोग चलाओगे सिटी में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है ट्रैफिक में, तो फिर भी ये 40-45 तक आ जाता है आराम से। और हाईवे पे चलाओगे तो आप लोग को और भी ज्यादा मिल जाएगा, 50 के आसपास मिल जाएगा आप लोग। हाँ वही, मतलब आप अगर क्रूजिंग स्पीड पे डालोगे तो लाइक काफी ज्यादा माइलेज अच्छा मिलने वाला है, माइलेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला इसमें। हाँ हाँ, तो ओवरऑल देखा जाए तो इस बाइक का जो माइलेज है ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो लाइक आप अगर डेली यूज भी करना चाहते हो तो आप जरूर से ले सकते हो, क्योंकि इसका जो कम्फर्ट माइलेज टोटल पैकेज है गाइस, ओवरऑल जो भी है इस बाइक पे सब कुछ आपको टॉप नॉच मिल जाता है, माइलेज वगैरह देन इंजन स्मूथनेस वगैरह का भी कुछ टेंशन लेना नहीं पड़ेगा गाइस आपको। तो ओवरऑल इट्स ए रियली वेरी गुड बाइक। एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस पे कुछ इश्यू आ रहा है आपको? ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसका अगर मैं सिंगल चलाता हूँ तो कोई इश्यू नहीं आता है, डबल पे भी मैं ऑफ रोडिंग कर चुका हूँ, पीछे 100 के ऊपर भी जो मतलब एक मेरा भाई है वो बैठ के भी मैं ऑफ रोडिंग कर चुका हूँ, लेकिन तो मतलब बाइक ने काफी ज्यादा लोड खींचा है। हाँ लोड खींचा है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। डाउन पे भी मैं गया ऑफ रोडिंग में पूरा रास्ता, तब तो ओवरऑल जो टॉर्क है इस बाइक का काफी अच्छा है। अच्छा टॉर्क काफी अच्छा है। मैं मेरे साथ जो भाई था उसको लेके तो मतलब 160-170 केजी हो गया है, तो 160-170 केजी को आराम से पुल कर लेते हैं भाई, वही बात। सो गाइस इस बाइक का जो पावर है काफी ज्यादा अच्छा है, हेल्दी पावर मिल जाता है, बस थोड़ा बहुत टॉप एंड पे आपको लैग मिल सकता है, लेकिन इट्स नॉट ए इश्यू गाइस, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप कांस्टेंट 100 के ऊपर बिल्कुल चला ही नहीं सकते। 0-100 तो ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, जो नॉर्मली 200 cc का बाइक भी जो होते हैं जैसे आप टच कर लेते हैं वही ऐसा ही टाइम पे ये भी टच कर लेता है, ये भी पिकअप में बहुत बढ़िया है। भाई मैंने सुना कि जो USD सस्पेंशन होता है थोड़ा बहुत स्टिफ होता है, तो आपको कैसा लग रहा है, कुछ लाइक कुछ दिक्कत आ रहा है आपको? USD जो सामने का बहुत स्मूथ आ रहा है मुझे तो अभी तक, तो USD सस्पेंशन जो है बहुत अच्छा काम करता है। मैं बताना चाहूंगा पीछे का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ है, लेकिन स्टिफ है ना, सामने का स्मूथ है सॉफ्ट है, पीछे का थोड़ा सा स्टिफ है। जो पीछे बैठता है अगर रास्ता अच्छा हो तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा खराब ऑफ रोडिंग होने से रोडिंग में पीछे में जो बैठा होता है पिलियन जो है उसको थोड़ा सा पेन हो सकता है, वही बात। तो गाइस भाई को पूछते कि इस बाइक पे और क्या चेंजेस होना चाहिए था ताकि बाइक जो है और भी ज्यादा अच्छा हो जाए, एंड कंपनी की तरफ से ये चेंजेस होना चाहिए। सो गाइस मैं बोलना चाहूंगा इसमें जो है वैसे तो लुक ठीक है, पावर भी ठीक ही है और कंफर्ट भी ठीक ही है। मैं एक दो चीज बताना चाहूंगा कि जिससे कि थोड़ा और मतलब लोगों को अट्रैक्ट कर सके इस बाइक से, तो पहली बात तो ये कि इसमें मुझे भी फील हुआ 6 गियर होना चाहिए था, ये बहुत लैग करता है आपको, एक और गियर लैग फील होता है, गियर लैग फील होता है, वो सबको होता ही है जो ये बाइक चलाता है, मैंने दूसरे रिव्यू में भी देखा है, क्योंकि इस बाइक का पावर अच्छा है तो इसलिए 6 गियर जरूर से होना चाहिए था, जरूर से दे देना चाहिए था इसमें 6 गियर। और सेकेंड की बात करूँ तो वैसे तो ठीक ही है, बस इसका जो रियर का जो मारगार्ड आता है गाइस, रियर का जो मारगार्ड आता है ये तो मैंने कस्टम किया हुआ है, रियर का जो मारगार्ड आता है वो थोड़ा चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा शॉर्ट रख के जो FG में आता है या फिर MT में आता है थोड़ा सा शॉर्ट रख के यहाँ पे एक टायर हगर दे देना चाहिए, तो और भी जो है लुक बढ़िया आएगा। तो मतलब आपको कुछ ये आफ्टर मार्केट कुछ लगाना नहीं पड़ेगा? लगाना नहीं पड़ेगा, सुंदर भी दिखेगा, लेकिन ओरिजिनल जो आ रहा है अभी ये इतना ऐसे करके यहाँ तक आ जाता है उससे जो है थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड फीलिंग होता है, तो थोड़ा सा गंदा जैसा दिखता है, बस वही बात है, बाकी सब सही है इसमें। तो होंडा प्लीज कंसीडर करे भाई के बातें, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बाइक के बारे में? इस बाइक के बारे में अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ इस बाइक से, कोई भी मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ ये बाइक लेके गलती कर दिया वो सब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है, 1.5 साल हो गया है आज तक, मतलब ऐसा नहीं आया कि ये पार्ट्स खराब हो गया बदल गया ऐसा कुछ नहीं आया, बस सर्विसिंग फोर सर्विसिंग हो चुका है, सर्विसिंग में जो नॉर्मली ऑयल चेंज होते हैं
वही करता हूँ। और एयर फिल्टर से 9000 पे एक बार चेंज किया था, तो बस यही है और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा था। और गाइस और एक बात मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि आपका बाइक पे एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो मैं रेकमेंड करूंगा कि फर्स्ट सर्विसिंग से ही आप बाइक पे फुल्ली सिंथेटिक ऑयल ही यूज करें, तब जाके और भी परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाएगा एंड आपको चलाने में भी ज्यादा अच्छा लगेगा एंड गियर शिफ्टिंग जो है काफी ज्यादा स्लीक हो जाएगा। अगर कोई लेना चाहता है तो आराम से ले सकते हैं इसको। इसको अगर आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है राइडिंग के मामले में तो आप लोग एक बार टेस्ट ड्राइव कर लेना नजदीक के शोरूम पे जाके। तो वैसे तो पावर जो है काफ़ी अच्छा है, लुक भी अच्छा है, मतलब जिसको पावर नहीं चाहिए मतलब लुक चाहिए और थोड़ा सा पावर मतलब लाइक आपको अगर हार्डवेयर जो है टॉप नॉच चाहिए जैसे कि 110 सेक्शन टायर, 140 सेक्शन के टायर, देन यूएसजी सस्पेंशन और बड़ा बाइक फील, तो आप जरूर से कंसिडर कर सकते हो इस बाइक को। वही तो वही बात है। और कुछ बोलना चाहोगे आप? और तो क्या बोलूं, बस जो भी देख रहे वीडियो को गाइस गाड़ी आराम से चलाना और देखना अगर कोई भी मतलब जैसे कि अपना जो गाड़ी है वो मतलब एक खुशी के साथ मतलब क्या बोल सकते हैं, एक ड्रीम होता है सबका बाइक लेना, तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि अच्छे से जो है आप लोग भी अपने बाइक का जो मेंटेनेंस करना ध्यान रखना और सर्विसिंग टाइम से करवाना। तो यही है गाइस, और तो कुछ नहीं, बस जो भी था मैंने सब बोल दिया आप लोगों को और अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस सब बता दिया आप लोग। दैट्स इट फॉर द ओनरशिप रिव्यू एंड ये बाइक जो है काफी ज्यादा अच्छा है एंड आप जरूर से कंसिडर कर सकते हो इस बाइक को क्योंकि ये होंडा का बाइक है एंड होंडा का बाइक कभी निराश नहीं करता। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए ताकि जो सब भी नया वीडियोस में डालूंगा आप सबको जल्द से जल्द मिल जाए। टिल देन राइड सेफ एंड राइड हार्ड गाइज़।